बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ऊना दौरे पर रहे। इस दौरान बिंदल ने जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिंदल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की दुर्दशा को देखकर प्रदेश के उद्योग मंत्री ने भी हार मान ली है। बिंदल ने कहा कि उद्योग मंत्री का बयान जो उन्होंने पिछले कल इसी जिला के एक विधानसभा क्षेत्र में दिया था, उससे साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभाओं के उपचुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की स्थिति और कांग्रेस सरकार की स्थिति सामने आ रही है। श्री हर्षवर्धन चौहान जी का बयान काबिले तारीफ है। उन्होंने सच्चाई व्यक्त की है कि कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव जीतने वाली नहीं है, यानी सरकार ने, कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार किया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का बार बार सरकार के स्थिर रहने का बयान देना भी अपने आप में ये साबित करता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस के नेता हार मान चुके हैं। इसके साथ ही बिंदल ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान कि हमारी सरकार स्थिर है, यह भी इस बात का द्योतक है कि उनको मन में बहुत आशंका लगातार बनी हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने वाली है और जो प्रेजेंटली 6 MLA की सीटें और 4 पार्लियामेंट की सीटें ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हम तो मानते ही हैं। परंतु कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। वहीं बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के खुद के प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस की हालत को लेकर कई बार खुलकर बयान दे चुके हैं। यहां तक कि सरकार और पार्टी में तालमेल की कमी के चलते उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने भी कही कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो चुका है। ऐसे में चुनाव लड़के जीतना ये अत्यंत कठिन बात है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार और पार्टी का तालमेल नहीं है, इसलिए हमारे चुनाव लड़ने का कोई कारण नहीं है। उनकी माननीय प्रदेश अध्यक्षा ने भी इस बात का खुलासा किया। बहरहाल प्रदेश में अभी 1 जून को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही बयानों को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। देखना ये होगा कि इन बयानों का जनता पर कितना असर पड़ता है। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।